हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने के लिए दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है। मई से लेकर आज तक लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन की हर चाल को बेनकाब करने के लिए हिंदुस्तानी सेना के जवान मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। पाकिस्तान भी एलओसी पर अपनी हिमाकत में लगा हुआ है। यानी दो दो मोर्चों पर तनाव है। इन सब के बीच सेना को गोला बारूद, ट्रक, टेंट के कपड़े, जूते जैसी तमाम जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने 12 अक्टूबर से अनिश्चित हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ऐसे समय में जब दुश्मन घात की फिराक में हो, जिस वक्त सेना की मदद के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है, उन्हें आवश्यकता अनुसार गोला बारूद, युद्ध से जुड़े सामान को मुहैया कराना ज्यादा जरूरी है या फिर हड़ताल पर चले जाना। रक्षा मंत्रालय ने OFB के कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध और अमान्य करार दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी सेना को लेकर लगे आरोपों के बाद अपने निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। वो आरोप जिनके मुताबिक 74% गोला बारूद न्यूनतम जोखिम स्तर को पूरा करने में विफल रहे, केवल 49% ने लक्ष्य हासिल किया। खराब गोला बारूद के चलते 960 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। 2014 से अब तक 403 दुर्घटनाएं भी हुई। खराब गोला बारूद के चलते 27 जवानों की जान भी गई। साल 2000 में बनी TKA नायर समिति से लेकर 2018 में जनरल DB शेकेतकर कमेटी ने 41 कारखानों को चलाने वाली OFP के निजीकरण की सिफारिश की है। गुणवत्ता पर सवाल उठने के बावजूद उसे सुधारने के बजाय OFP के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाना ज्यादा बेहतर समझा। क्या हड़ताल पर चले जाने और मांगे बनवाने का ये समय ठीक है?